हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन सेवर सेटिंग है तो स्क्रीन सेवर सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करेंगे, स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन सेवर सेटिंग्स है, तो स्क्रीन सेवर सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। सर्च करके स्क्रीन सेवर सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, यहाँ से इसको आप सेट कर पाएंगे। इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रीन सेवर को इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑन करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से करंट स्क्रीन सेवर यानी करंट स्क्रीन सेवर ऑप्शन को आप यहाँ से सेट करते हैं। क्लॉक कलर्स पर या फोटोज़ वगैरह पर आप सेट कर पाएंगे। क्लॉक्स पर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो करेगा। इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ से वेन टू स्टार्ट यानी वेल चार्जिंग स्क्रीन लॉक को भी सेट करते हैं। यहाँ से चार्जिंग वाला ऑप्शन भी हमारा शो करेगा और साथ में यहाँ से और भी सेट करते हैं वेल डॉकेट जो हमारा पहले से ही सेट था। वेल चार्जिंग पे आप करेंगे तो इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीन सेवर सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।